अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट इंगेजमेंट में हम कमेंट्स और मैसेजेस के रिप्लाइज कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। आए चले हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पे अपने पेज पे हूँ। इस वक्त जो सबसे पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कमेंट्स, और फिर उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट हमारी उससे कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है। तो सबसे पहले हम अपने इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं। इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम अपने पेज के इनबॉक्स में आ जाएंगे, जहाँ हमारे प्राइवेट मैसेजेस, हमारे कमेंट्स, इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस अपीयर होते हैं, जहाँ पे लोग हमारे साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो हम जब इस पेज के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट कॉलम में यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स एंड मोर है। तो यहाँ पे हम फेसबुक वाले कमेंट्स ओपन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस देख सकते हैं अपने, या मैसेंजर के मैसेजेस जो फेसबुक पे हमें आ रहे होते हैं वो हम मैसेजेस देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारी इस वक्त मेरी पोस्ट जो है वो ऑलरेडी फेसबुक पे प्रमोटेड है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। इसमें मेरे पास जो अभी लाइक्स रिसीव हुए हैं वो 1.7 के हैं, और इसमें 142 कमेंट्स हैं, और इसके अलावा 322 शेयर है। अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए मैंने जो है सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव तरीका देखा वो ये है कि फेसबुक ने आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स आपके जो आते हैं वो एग्जैक्ट जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड होते हैं वो ऊपर आ रहे होते हैं। आप इसको यहाँ से सॉर्ट करके नए कमेंट्स न्यूएस्ट वाले पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप न्यूएस्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले वो कमेंट्स आ जाएंगे जो अभी आपके न्यू कमेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा अर्लियर आप कह लेंगे अभी अभी आपको रिसीव हो रहे हैं। देन आपके पास यहाँ पर ये किए जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर प्लीज़ शेयर योर, सैयद रहमान साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि सर प्लीज़ शेयर योर यूट्यूब चैनल लिंक। So what I'm going to do is I will never reply direct here. मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं करूँगा ये कि मैं इनको एक मैसेज लिखूँगा, यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा यू कैन सर्च फॉर माई नेम ऑन यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब। जब मैं ये लिखूँगा तो दिस इज माई चैनल नेम, सो मैं अपना चैनल नेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही अपना चैनल नेम यहाँ पर टाइप करूँगा, चैनल नेम टाइप करने के बाद जो है मैं इसको सेंड पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ से एक मैसेज उनके इनबॉक्स में चला जाएगा, और देन मैं यहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा कि सी इनबॉक्स। तो इससे मेरी जो है वो एक नया कमेंट अपीयर हुआ, और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जितने भी लोग यहाँ पर लिस्टेड हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये पोस्ट पे कोई एक्टिविटी की हुई है उनको चला गया। तो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड और समवन इज़ इंटरेस्टेड दे विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू। और आप कोई प्रोडक्ट जब भी अपनी शेयर कर रहे हो तो उनको मैसेज में शेयर करें, डायरेक्ट कभी भी जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर रिप्लाई में ना दें, कभी भी प्राइजेस रिप्लाई में ना दें, हमेशा इनबॉक्स में प्राइजेस सेंड किया करें एंड देन उसको रिप्लाई करें कि अपना इनबॉक्स चेक कर लें, मैंने आपको वहाँ पर डिटेल शेयर कर दिया। दैट कुड बी एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी डिटेल उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो आप रियल एस्टेट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको मैसेज करें, मैसेज करने के बाद जो है रिप्लाई में लिख दें कि मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया, आप इनबॉक्स चेक कर लें। तो यहाँ पर आपकी जो कमेंट्स इंक्रीज भी होंगे एंड देन आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ आप एक्टिव रहेंगे, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट कन्वर्ट होगी, वायरल होती जाएगी। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो उससे रीच भी बढ़ती है, उससे कमेंट्स में जो है आपके कमेंट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, रिप्लाइज भी इंक्रीज़ होते हैं, और फिर आपकी जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें अगर कोई क्वेश्चन है और इस वीडियो के बारे में। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।